नमस्कार, मेरा नाम है अमित पंडीर। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। ये सीधी लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो है जोड़ा जी रोड से देख रहे हैं, जहां पर अभी जो है कुछ घंटों पहले ये रोड जो है वो गिर चुका है और यहां पर जो है वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। केवल टू व्हीकल्स ही यहां पर इस रोड से गुजर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि डंगा जो है अभी कुछ घंटों पहले ही यहां पर गिरा है और यहां पर जो है चाहे हम छोटी गाड़ियां कह लें चाहे बड़ी गाड़ियां कह लें, यहां पर जो है उन वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और कैप्शन में भी आप ये जरूर पढ़ रहे हैं कि इस जोड़ाजी रोड के बंद होने से तकरीबन 7 पंचायतों का जो संपर्क है वो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए कट चुका है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ऐसा बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से ये डंगा दिया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं और ये डंगा जो है गिर जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू व्हीकल्स ही यहाँ पर गुजर रहे हैं। और ये जो आप सड़क पर बजरी देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही एक अंकल जी स्कूटी पर आते हैं और वो इस बजरी से जब गुजरते हैं तो उनकी स्कूटी जो है वो स्किट हो जाती है और वो गिर जाते हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि रस्सी लगा दी गई है लाल कलर की। ये आप देख सकते हैं इस डंगे के टूटने से जो है जो आईपीएच विभाग की पानी की पाइप थी उससे भी लगातार पानी बह रहा है। और फिलहाल सात पंचायतों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। इन 7 पंचायतों में जितने भी हमारे किसान भाई जो सोलन सब्जी मंडी अपनी सब्जियां लेकर आते थे, खासकर टमाटर सीजन की बात करें तो वो जोरों शोरों पर चला हुआ है, वो कैसे अब दूसरे रूट के जरिए सोलन सब्जी मंडी पहुंचेंगे ये भी देखना बाकी रहेगा और उन्हें भी जो है काफ़ी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम इन 7 पंचायतों की बात करें तो बहुत सारे फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कैसे अब सोलन पहुँचेंगे, अपने स्कूल पहुँचेंगे, ये भी देखना बहुत बड़ी बात रहेगी। और साथ कर खास करें बात करें जो पीछे भी कोई 2-3 बसेस जो है वो फंसी है इस रोड के बंद होने से। फिलहाल पिछले कल ही अगर हम बात करें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की तो उसे प्रशासन की तरफ से खोल दिया गया था, लेकिन अब एक और अगर हम अपने सोलन शहर की बात करें, अभी फिलहाल ऑटो तो यहाँ से गुजर रहा है लेकिन ये बहुत रिस्की है। ऑटो तो आपने देखा कि यहाँ से गुजर गया, लेकिन अगर आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को देख रहे हैं और आप जुड़े हैं और आप जो है जोड़ाजी रोड से होकर गुजरते हैं, आगे आपके घर पड़ते हैं, तो आपको बता दें ये रोड जो है यहाँ पर बिल्कुल बैठ चुका है। ये डंगा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगाया जा रहा था और ये डंगा जो है अब पूरी तरह से गिर चुका है। नीचे जाकर भी हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं 7 पंचायतों का संपर्क इस रोड के बंद होने से टूट चुका है। सिर्फ यहां पर स्कूटी बाइक ही गुजर रहे हैं, छोटे वाहनों और बड़े वाहनों की आवाजाही यहां पर पूरी तरह से बंद हो गई है। अंकल जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और आप बस के मालिक है, क्या कहना चाहेंगे? ये रोड बंद हुआ है, थोड़ा जोर से बोलो।
मैं लीलाधर शर्मा, प्राइवेट बस ऑपरेटर जी, कोटला मिश्र जोला जी, जी। मेरी इस रूट पे बस चलती है और हमारे हम 8-10 ऑपरेटर हैं इस रूट पे जो बसें चला रहे हैं जी। पहले भी हमारे को बड़ी समस्या आई, बारिश की हमारी बसें खड़ी रही, जगह का स्लिप आते रहे, फिर भी हमारी समस्या आती रही, बहुत मजा लोगों के टमाटर मिर्ची चली हुई, आज का सीजन का अच्छा टाइम है, वो भी समस्या बड़ी समस्या होती रही। अभी रोड बिल्कुल चालू था, चला हुआ रोड था, जैसे ही जेसीबी लगाई वैसे रोड संपर्क कट गया। हम तो बोलते हैं ठेकेदार को जेसीबी नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि इस टाइम लोगों की समस्या यह है कि सीजन का टाइम है, बीमार लोग आने जाने हैं, विद्यार्थी आते जाते हैं, कैसे जाए आ जाए। तो हमारे ये है भी लोगों तक पहुँचाए सर्वप्रथम, तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे तक तो पहुँचे और हमारी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की और लोगों की समस्याओं के बारे में प्रशासन से अपील, हमें प्रशासन से ये निवेदन करते हैं और आप भी लगाएंगे कि इसको जल्दी जल्दी चालू किया जाए रोड, ताकि लोगों की समस्या हल हो और हमारी भी समस्या हल हो, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ तो फंस गई है ना, तो हम तेल डालने लायक लगे ना हम अपने गाड़ी का रिपेयर करने लायक रहे। पहले भी गाड़ी का संपर्क टूटा रहा, अभी भी आगे 2-3 अभी संपर्क टूटा हुआ है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं सरकार की जल्दी जल्दी रोड चालू किया जाए। चलिए चलिए नीचे जाकर आपको जो है इस रोड की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। यही जेसीबी मशीन यहां पर जो है लगाई गई थी, ये आप देख सकते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गिर चुका है, आप ये देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहां पर काम चलाया गया था, और पानी की जो पाइप है वो भी यहां पर टूट चुकी है और पानी यहां पर जो है लगातार बह रहा है। अभी फिलहाल इस रोड को शुरू करने में प्रशासन को कितना वक्त लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो लोग चाहे ऑफिस में यहाँ आते थे, जो स्कूली बच्चे यहाँ के निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, और जो हमारे किसान भाई हैं, वो अब कैसे सोलन शहर पहुँचेंगे ये देखना रहेगा। तकरीबन 7 पंचायतों का संपर्क यहां पर इस रोड के बंद होने से वो टूट चुका है। ये डंगा जो है यहां पर ये आप देख सकते हैं तस्वीरें सीधी, यहां पर जो है काम चलाया गया था, जेसीबी मशीन बकायदा यहां पर लगाई गई थी, और अभी हमने जो बस के मालिक है उनसे भी बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा कि उसी जेसीबी मशीन जब ये लगाई गई तो ये डंगा गिर जाता है। आप इस लाइव वीडियो स्ट्रीम को शेयर अवश्य करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये न्यूज पहुंच सके कि जोड़ा जी रोड जो है वो बंद हो चुका है। 7 पंचायतों का संपर्क यहां पर टूट चुका है। प्रशासन को इस रोड को बंद कर खोलने में माफी चाहूंगा, कितना वक्त लगेगा ये देखना बाकी रहेगा। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। नमस्कार।